Good morning, dear listeners. Dear listeners, we are doing unit 4, section B, and today I will explain exercise B10, which is given on page number 97. B10, read the following advertisement that appears on the internet. advertisement को पढ़ना है जो कि कहाँ पर अपेयर होती है इंटरनेट पर तो यहाँ पर पूरा दिया गया है यहाँ पर आपने नोटिस भी किया होगा जब भी आप नेट ओपन करते होंगे तो हमेशा ही कुछ ना कुछ एडवरटाइजमेंट आती है तो वैसे ही एक एडवरटाइजमेंट यहाँ दी गई है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इनवाइट्स ऑल बुक लवर टू कम सिलेक्ट And buy their favorite books for a wide range of topic and languages. Please visit hall number one R, stall number eighty-five to hall number four, stall number. 270 to 273 for journal and trade books in English and Hindi. Hall number 12, stall number 46 to 75 for Hindi and regional language books. Hall number Eighteen stall number two hundred fifty to two hundred thirty for children books in English and Hindi. New Delhi World Book Fair fourth to tenth February Pragati Maidan. Join. एन बी टी बुक क्लब एंड अवेल ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट सेलिब्रेट द कल्चर ऑफ रीडिंग सो आपने ऐसी एडवर्टाइजमेंट कभी नेट पे कभी ऑन करते हुए पढ़ी होगी और बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी आती है तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हाईलाइट किया गया है चीज़ों को बताने के लिए कि अगर आपको जर्नल और ट्रेड बुक्स पढ़नी है तो आपको कहाँ मिलेंगी ठीक है अगर आपको हिंदी औरजनल लैंग्वेज की बुक्स पढ़नी है तो कौन से हॉल नंबर क्या है स्टॉल नंबर क्या है वहाँ पर मिलेंगे साथ ही साथ अगर बच्चों को बच्चों की बच्चों ने रीड बुक रीड करनी है हिंदी और इंग्लिश की तो आपको कौन सा हॉल नंबर है स्टॉल नंबर है वो आपको वहाँ पर मिलेंगी ठीक है साथ ही साथ इन्होंने ये भी दिया है कि आपको जो है ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट भी मिलेगा बुक्स में और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ और की जा रही है न्यू दिल्ली में जो वर्ल्ड जो बुक फेयर है वो लगा हुआ है और कब से कब तक चलता है ये फोर्टीन से 10 फेबर को है और कहाँ पर है प्रगति मैदान में तो इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट नेट पे अवेलेबल होती है ठीक है जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देती है कि कहाँ पर आपको जाना है और कहाँ पर क्या फेयर चला हुआ है जैसे कि यहाँ पर नेशनल नवदारी की बुक फेयर चला है वर्ल्ड बुक फेयर चला हुआ तो पूरे एडवर्टाइजमेंट इन्होंने इस तरीके से दी गई है नाउ रीड द एडवरटाइजमेंट विच अपेयर्स इन न्यूज़ पेपर और मैगज़ीन तो ये भी हमने नेट की पढ़ी थी अब ये बोलें कि रीड करेंगे वो एडवर्टाइजमेंट जो कि अपेयर होती है आपको मिलती है देखने के लिए न्यूज़ पेपर और मैगजीन में ठीक है तो न्यूज़ पेपर और मैगज़ीन में किस तरह की होती है ओस्ट बर्ग स्प्रे ठीक है तो किसकी यहाँ पर पब्लिसिटी कर रहे हैं यहाँ पर जो ऑस्ट बर्ग स्प्रे है उसका पब्लिसिटी हो रही है यहाँ पर Having pest control problems in your home? Well, worry no more. Now, here's new oast Bug Spray. With just one spray of this miracle, the little villains will be out. ऑफ़ यर होम ठीक है तो यहाँ पे किसकी पब्लिसिटी की जा रही है ऑस्ट बर्थ स्प्रे की तो किस तरह से इन्होंने करी है तो आप देख सकते हैं तो ऐसे ही आपने भी नोटिस किया होगा न्यूज़ पेपर और मैगजीन्स में भी इस तरह की जो है प्रोडक्ट्स को लेकर ठीक है ऑब्जेक्ट्स को लेकर जो है एडवर्टाइजमेंट दी जाती है नाउ बी एलेवन Now look at the following pictures by taking ideas from बी टेन राइट एडवरटाइजमेंट तो यहाँ पर दो जो है पिक्चर्स दी गई हैं एक पेज नंबर नाइन्टी एट में रोड किंग टायर की और दूसरे पेज पे दी गई है नाइन्टी नाइन पेज पर एक पेस्ट की दी गई है ठीक है तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको जो है आइडिया लेना है कहाँ से बी टेन से जो मैं बी अब मैंने आपको पढ़ के बताया है ऑस्ट जो स्प्रे है बग स्प्रे है तो वहाँ से आप उसको देख कर कैसे एडवरटाइजमेंट बनाई गई है उसको देख कर आप आइडिया लेकर जो है इन दोनों प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या दिया क्वेश्चन में क्या यूज़ करना है आपको राइट एडवर्टाइजमेंट फॉर द वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू रोड किंग टायर डॉट कॉम ठीक है तो रोड किंग टायर डॉट कॉम पर आपको एडवर्टाइजमेंट बनानी है ठीक है तो आप अपने आप भी से कर सकते हैं अदरवाइज मैंने की है आप यहाँ से भी लिख सकते हैं समझ सकते हैं कर सकते हैं ठीक फर्स्ट सेंटेंस आप लिख सकते हैं ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है ओके द मोस्ट डिपेंडेबल नेक्स्ट इज The safest one, the most durable. नेक्स्ट इज लॉन्ग लास्टिंग ठीक है यहाँ जो टायर है उसके बारे में बता रहे हैं कि मोस्ट डिपेंडेबल de भी है सेफेस्ट भी है तो मोस्ट ड्यूरेबल भी है लॉन्ग लास्टिंग भी है द नेम यू कैन ट्रस्ट तो आप इसके जो टायर है उसके नाम पर आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं वन एंड ओनली द रोड किंग टायर्स द नेम यू कैन ट्रस्ट वन एंड ओनली द रोड किंग टायर जैसे इन्होंने बोला कि जो साइट है उसके बारे में बताना है पर कहाँ से आप इसको ले सकते हैं ठीक है बुक करवा सकते हैं तो ये साइट का भी आपको ऐड करना होगा नाम यहाँ पर तो साइट है फॉर डिटेल फॉर डिटेल्स विजिट हैश टैग डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट रोड किंग टायर डॉट कॉम सो जी स्टूडेंट इस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है जो कि मेन प्रोडक्ट होता है उसमें उसमें आपको ये बताना होता है कि उसमें क्या जो है उसके अंदर क्या खासियत है ठीक है उसके बारे में आपको बताना होता है उसमें आप वर्ड कोई भी यूज़ कर सकते हैं ये तो आप जैसे पीछे दिया गया है बी टेन में उस तरीके से भी लिख सकते हैं ठीक है तो अगर आपको यहाँ से लिखना है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं अदरवाइज़ uh, कोशिश कीजिए कि आप अपने आप ही जो है इस एडवर्टाइजमेंट को बनाएं ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर द डे टमोरो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप नेक्स्ट वाली जो टूथपेस्ट पर दी गई है एडवरटाइजमेंट है उस उसके ऊपर कुछ आप लिखें कोशिश करें एडवरटाइजमेंट बनाने की थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे